नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूंजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। दर्शकों, महाराष्ट्र में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा परंपरागत गौरी गणपति का आवाहन कई परिवार आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसी तरह खरपाटे परिवार लगभग 125 सालों से इस परंपरा का जतन कर रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। दरअसल खरपाटे परिवार में लगभग 125 सालों से इस परंपरा का जतन बड़ी तन्मयता से किया जा रहा है, जहां परिवार के मुखिया यशवंत खरपाटे महालक्ष्मी के पूजन का उत्तरदायित्व निभाते हैं। वही बड़ी बहू आरती हर साल अपने हाथों से विभिन्न थीम के मद्देनजर डेकोरेशन का जिम्मा उठाती है। उसी प्रकार से छोटी बहू सुषमा भी पूरी तरह सहायता करती है। किसी भी मंगल कार्य को मंगलता प्रदान करने में पूरे परिवार का सहयोग होना आवश्यक होता है। इस अवसर पर बोलते हुए यशवंत खरपाटे ने बताया कि पहले वह रायपुर में रहते थे, तब चुनिंदा घरों में ही महालक्ष्मी आवाहन किया जाता था, जिसके चलते बड़ी मात्रा में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। और आज नागपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम यह त्योहार मनाते हैं, जहाँ इस अवसर पर हमारे रिश्तेदार भी शिरकत करते हैं और महालक्ष्मी के कृपा पात्र बनते हैं। गौरतलब है कि इस साल आरती खरपाटे द्वारा आसाम की थीम बनाई गई है, जहां चाय पत्ती की बागवानी के साथ आसाम की प्रसिद्ध नृत्य बिहू का भी जिक्र उन्होंने डेकोरेशन में किया है। नहीं, आमच्या माझ्या स्वतःच्या पाणी तर लहानपणापासून एक 75 वर्षाच्या वर मला झाले आहेत, म्हणजे पाहतो आहे मी, पण त्याच्याही आधी एक साधारणतः 40-50 वर्षापूर्वीपासून साधारण 125 वर्ष झाले तेव्हापासून आमच्याकडे महालक्ष्म्या बसतात आहेत। आणि आज आपण ज्या पद्धतीने पाहतो तीच परंपरा सतत चालू आहे। आणि एक चांगला उत्सव असतो, आम्ही पूर्वी रायपूरला राहत होतो तर त्या ठिकाणी ही महालक्ष्म्या काय तो मध्य प्रदेशचा भाग असल्यामुळे फार थोड्या लोकांच्याकडे महालक्ष्म्या बसायच्या, आणि त्यामुळे दर्शन घेणाऱ्यांची गर्दी फार राहायची त्यावेळेला। आणि एक चांगला उत्सवसारखा तो कार्यक्रम असा व्हायचा। नंतर मग आम्ही 1963 साली नागपूरला आलो, आणि नागपूरला आल्यानंतर मग आता इथे या ठिकाणी आम्ही हे सगळं हा सोहळा आम्ही साजरा करतो। खूप जुना असा एक हे आहे, माझी आजी स्वतःची ती सगळं मोठ्या हौशीने हे सगळं करायची, माझे आजोबा असेपर्यंत तेच पूजा करायचे। आणि आता तर मी स्वतःच 65 वर्षापासून पूजा करतो आहे महालक्ष्मीची। बाकी सगळा हा थोडासा आमच्या घरची सगळी मंडळी जेवढे नातेवाईक आहे माझे, भाऊ बहीण हे सगळे जावाई हे सगळे आम्ही त्या ठिकाणी एकत्र येतो आणि एक चांगल्या उत्साहामध्ये हा कार्यक्रम आमचा पार पडतो। मेरा नाम आरती खरपाटे है। हम लोग पिछले कई सालों से महालक्ष्मी का हमारे यहाँ विराजमान होती है। पिछले 6-7 साल से अलग अलग थीम से मैं डेकोरेशन करती हूँ। इस साल असम स्टेट की थीम फॉलो की है हमने। उसमें जो पूरे टी प्लांटेशन का रहता है वो दिखाया है, उसमें टी लेते हुए जो लोग रहते हैं वो भी दिखाए हुए हैं। बिहू डांस वहाँ का फेमस है, वहाँ की दो लेडीज बताई है मैंने। और ये जो स्टेट फ्लावर्स है वो वहाँ निकाले हुए हैं, और बाहर में जो टोपी रहती है वो भी वहाँ पे बना के दिखाई हुई है। इस तरह से आसाम थीम का मैंने बताया है। और ये पूरा हैंड डेकोरेशन है, कुछ भी प्रेस किया हुआ भी नहीं है, पूरा हाथ से किया हुआ डेकोरेशन है। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा खरपाटे है, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ये पूरा डेकोरेशन हमारी भाभी आरती खरपाटे इन्होंने किया है। वो हमेशा महालक्ष्मी का डेकोरेशन बड़े ही चाव से और लगन से करती है, हमेशा ऐसे ही महालक्ष्मी उसको सद्बुद्धि देती रहे और अलग अलग डेकोरेशन बनाने की थीम उसके मन में हमेशा आता है, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।